दोस्तों इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। इन सब के अलावा ठीक है कि अगर हमने एक बार जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन भी करवा लिया, उसके बाद अगर मैं अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता हूं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एटीएम कार्ड जो मेरे पास आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का उसकी फीस बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा मुझसे कितनी चार्ज करेगा, इन सब के अलावा जितने भी पॉइंट्स हमारे बनेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से जुड़े हुए एक एक पॉइंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी एनालाइज करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेटर है या फिर हमें किसी दूसरे बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। यानी एक एंड में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ज्यादा बेटर है। अब यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो अगर आप सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी बीओबी वर्ल्ड नाम की, यानी बीओबी वर्ल्ड ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा B3 प्लस अकाउंट। इस B3 प्लस अकाउंट को आपको ओपन करवाना है। यानी जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ओपन योर B3 प्लस अकाउंट। ये जो B3 प्लस अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, यही B3 प्लस अकाउंट ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब यहां पर इश्यू ये आता है कि अगर आप मोबाइल फोन में इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके B3 प्लस अकाउंट ओपन करते हो तब तो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम पर जाकर लिखोगे ओपन बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, फिर वहां पर जो आपको लिंक्स मिलेंगे ना वहां पर आपको अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यानी आप डायरेक्ट अगर गूगल क्रोम पर लिखोगे ना कि ओपन बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस, उस केस में जो आपका अकाउंट खुलेगा वहां पर B3 प्लस अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, उस अकाउंट में आपको 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि बीओबी वर्ल्ड नाम की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन योर B3 प्लस अकाउंट, इस B3 प्लस अकाउंट को ही आपको ओपन करना है। अब यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के बाद आपके घर पर एक वेलकम किट भेजी जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। उस वेलकम किट के अंदर आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का जिसका नाम है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड। यानी जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के बाद उसका नाम है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड की जो फीस है जो बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे चार्ज करेगा पहले एक साल के लिए तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद आपसे जो फीस चार्ज की जाएगी वो चार्ज की जाएगी 150 रुपए प्लस 18% GST, यानी लगभग 177 रुपए आपकी एनुअल फीस चार्ज करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे। इन सब के अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड से अगर पर डे विड्रॉल लिमिट की बात करें तो इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा सिंपली ये बोलते हैं कि आप हर रोज, यानी अगर मान लीजिए एटीएम से विड्रॉल की बात है तो उस केस में पर डे आप ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, यानी मान लीजिए अगर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको पैसा स्पेंड करना है तो पर डे जो आपकी लिमिट रहेगी ये रहेगी 50,000 रुपए की। यानी अगर आपको कैश वगैरह विड्रॉ करना है तो पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और ऑनलाइन स्पेंड आप 50,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा पर डे कर सकते हो। इन सब के अलावा जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड आपके घर पे आ गया, अब इस एटीएम कार्ड से ज्यादा एटीएम में जाके कितनी बार कैश विड्रॉ कर सकते हो, यानी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है कितनी ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इस एटीएम कार्ड से, यानी ये जो डेबिट कार्ड आपके पास आया इससे अगर आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में जाके अगर कैश विड्रॉ करते हो तो आपको महीने में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। यानी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी, चाहे आप 4 बार निकालो, 5 बार निकालो, 10 बार निकालो, महीने में कितनी बार मर्जी निकालो, लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इस एटीएम कार्ड को किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाके अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में इन्होंने दो पार्ट्स में इसे बाइफरकेट किया हुआ है। पहला है मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रांजेक्शन फ्री है एक महीने की, और जो लोग नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। इसके अलावा अब इस अकाउंट की सबसे जरूरी चीज को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इस B3 प्लस अकाउंट को ओपन करवाता है तो सबसे जरूरी चीज यही आती है कि जो मैं पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर एक साल की FD करवाने पर मुझे 5.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पे करता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि आप एक साल की
एफडी ओपन मत करवाओ, आप एफडी ओपन करवाओ एक साल और एक दिन की, क्योंकि एक साल यानी 365 डेज से लेकर के जो 400 दिन का पीरियड है इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5.45%, और एक साल तक की एफडी अगर आप ओपन करवाते हो यानी 365 डेज की कंप्लीट एफडी करवाते हो तो उस केस में 5.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इस केस में पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका कोई दूसरा भी अकाउंट है और अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाना चाहते हो तो एक साल एक दिन की आप एफडी ओपन करवाओ ताकि आपको 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। इसी तरह अगर कोई कस्टमर अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का उसने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, वैसे तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रहेगा, अगर आप इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं भी रखोगे तो उस केस में भी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी ने कुछ भी पैसा रखा अपना सेविंग्स अकाउंट के अंदर तो उस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। और यहां पर एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी होगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप B3 प्लस अकाउंट ओपन करते हो तो उस केस में आपको ₹500 स्पेंड करने पड़ेंगे पहले 30 डेज के अंदर, यानी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो यानी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो इस गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो इस केस में आपको पहले 30 डेज के अंदर ₹500 स्पेंड करना जरूरी है। अब यहां पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के इस B3 प्लस अकाउंट की यानी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको कोई भी चेकबुक फैसिलिटी नहीं मिलती, यानी कोई भी चेकबुक आपको साथ में नहीं दी जाएगी वेलकम किट के अंदर। इन सब के अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चाहे वो सेविंग्स अकाउंट का हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ये बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि RBI ने अपनी रेपो रेट लगातार इंक्रीज की है, पहले 4% से 4.40% की, फिर 4.40% से 4.90% की, फिर 4.90% से बढ़ा के इसे 5.40% कर दिया, और फ्यूचर में उम्मीद है कि आगे रेपो रेट और भी बढ़ सकती है। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर भी जहां दूसरे बैंक्स लगातार अपने कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है हम मानते हैं कि एक तरफ लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं ये कस्टमर्स के लिए बुरी बात है, लेकिन जिसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उनके लिए तो अच्छी बात है कि FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं और सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि ठीक है एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है अच्छी बात है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, तो ऐसे में मैं आपको पर्सनली दूसरे बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जो सजेस्ट करूंगा वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिसे हम कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, एकदम शानदार अकाउंट है, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा बेटर है। इन सब के अलावा आज की डेट में नियो बैंक्स बहुत चल रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा FI मनी, जुपिटर मनी, इसके अलावा आपको एक इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मिलता है जो सबसे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अच्छी बात यह कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर भी बन जाता है, यानी इस वीडियो में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग्स के लिंक दे दूंगा, जो भी बैंक आपको लगेगा अच्छा है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, सभी के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी बैंक में आपको लगता है कि अच्छा अकाउंट है, आपके हिसाब से अच्छा अकाउंट है, आपके घर के नजदीक ब्रांच भी है, ऑनलाइन फैसिलिटी आपको लगता है कि जिसकी भी अच्छी है, सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इजीली आप अपनी मर्जी का अपने बैंक में अकाउंट ओपन कर सके। बाकी दोबारा लौटते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिव्यू पे, इसके अंदर आपको चेकबुक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा काफी लोगों का एक सवाल ये आता है कि वीडियो KYC का क्या ऑप्शन है। देखो इस केस में B3 प्लस अकाउंट के अंदर आपको वीडियो KYC का ऑप्शन मिलता है, बाकी मैंने जो आपको अभी अकाउंट्स बताए हैं जैसे AU, कोटक, इंडसइंड हो गया, FI मनी, इसके अंदर भी वीडियो KYC का ऑप्शन है, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कंप्लीट KYC के साथ ही आपके सारे अकाउंट्स आज की डेट में ओपन होते हैं। ऐसे ही बड़ौदा बैंक के अंदर भी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसमें भी आपकी वीडियो KYC स्टार्ट हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एम्प्लॉय सामने आपके यानी वीडियो KYC के माध्यम से आपका पैन कार्ड मांगेगा कि आप मुझे शो कर दीजिए अपनी डिटेल्स के लिए, तो यहां पे जैसे ही आप अपना पैन कार्ड शो करोगे आपकी कंप्लीट डिटेल्स फेच कर लेंगे, आपको ये कहेंगे कि एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए अपने रिकॉर्ड्स के लिए, आप सिग्नेचर कर देंगे, तो ऐसे में अपनी कंप्लीट KYC बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम अपने पास कर लेगी, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का B3 प्लस अकाउंट ये बोलते हैं कि आपके पास आपका पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अब पैन कार्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में होना कंपलसरी है, चाहे कोटक हो, AU हो, जो भी मैंने आपको अकाउंट्स बताए हैं, आज की डेट में किसी भी बैंक में अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो पैन कार्ड होना कंपलसरी है, चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट खोलो चाहे ब्रांच विजिट करके आप अपना अकाउंट ओपन करो, पैन कार्ड होना कंपलसरी है। इन सब के अलावा ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का B3 प्लस अकाउंट है ये भी बोलते हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, ये लिंक होना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए
बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोलते हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है हम उस पर एक OTP भेजेंगे और कन्फर्म करेंगे कि वही आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक है। ये यहाँ पे मुझे एक ड्रॉबैक लगता है क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ना तो इस केस में फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक हो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, FI मनी हो, जुपिटर मनी हो, इंडसइंड बैंक हो, इन सब के अंदर पैन कार्ड होना कंपलसरी जरूरी है लेकिन अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी है ना तो उस केस में भी आपका अकाउंट फिर ओपन हो जाता है। लेकिन इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में आधार कार्ड से आपका लिंक होना जरूरी है मोबाइल नंबर। इसके अलावा B3 प्लस अकाउंट ओपन होने के बाद ये जो अकाउंट ओपनिंग की सारी डिटेल्स हैं ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ये सारी की सारी एक PDF फाइल में आपको भेजी जाएगी। अब इस PDF फाइल को जैसे ही आप ओपन करने लगोगे ना तो वहां पर ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब इसका जो पासवर्ड है जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वही इस फाइल का पासवर्ड है। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करोगे वहां पर ये PDF फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और आपको आपकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी जैसे आपका अकाउंट नंबर, इन सब के अलावा डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। जैसे जो भी आपका वर्चुअल फिजिकल डेबिट कार्ड तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पे आएगा लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। CVV नंबर मिल जाएगा, डेबिट कार्ड नंबर मिल जाएगा, ये सारी जो भी अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स है ये सारी की सारी आपको उस PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी। अब इन सब के अलावा काफी लोगों का एक सवाल ये होता है कि क्या हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेल देखो यहां पर ऑनलाइन आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर लो, जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो ना तो उस केस में सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट ही आप ओपन कर सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट अलाउड नहीं है ऑनलाइन। तो इस केस में जो चीज आप कर सकते हो पहले इंडिविजुअली अपना अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद जैसे ही आपका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके बाद आप ब्रांच विजिट कर लो, जिसे भी आपको ज्वाइंट मेंबर बनाना है अपने अकाउंट के साथ उसे ऐड करवा लो। बैंक वाले जो भी मतलब फिजिकली जब आप ब्रांच विजिट करोगे एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और एक मेंबर आपके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है अगर आपको ज्वाइंट मेंबर ऐड करवाना है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। इन सब के अलावा जितने भी बैंक्स हैं उन सभी के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।